वो बस यही है कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगटिव नेचुरल नंबर्स ठीक है मतलब देखिए यहाँ पे टू का स्क्वायर में से माइनस किया गया है वन के स्क्वायर से मतलब ये दोनों टू और वन क्या है कॉन्जुगटिव नेचुरल नंबर्स है तो कॉन्जुगटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होता है वह उनके सम के बराबर होता है मीन्स टू का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर मीन्स टू प्लस और यहां पर मतलब ये जो फॉर्मूला है ना इसी का यूज करके कि किया गया है मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाता है यदि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो और यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो जब हम इसमें माइनस करेंगे ए माइनस बी करेंगे तो वन आ जाता है क्योंकि टू माइनस वन करेंगे तो वन आएगा और ए प्लस बी ही बचेगा इसीलिए टू प्लस वन यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट तो कहने का मतलब कि पैटर्न बस यही है कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स डिफरेंस ऑफ स्क्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज नंबर मीनस थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज्वल टू थ्री प्लस टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्र इजकल टू फोर प्लस थ्री मतलब कि केवल इस इससे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया है ओके फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्ल टू फाइव प्लस फोर तो यहां भी हमें वही काम करना है जो यहां पर किया है वैसे ही करना है चलिए सॉल्व करते हैं ओके फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द गिवेन पैटर्न क्या हो जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर माइनस नाइन्टी नाइन स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी देखिए यहाँ पे हंड्रेड और नाइन्टी नाइन को केवल ऐड कर देंगे हंड्रेड प्लस नाइन्टी नाइन मीन्स आ जाएगा हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन राइट दिस इज योर आंसर नाउ सेकेंड वन यहाँ पर है वन हंड्रेड इलेवन का स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड नाइन का स्क्वायर तो इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा वन हंड्रेड इलेवन प्लस वन हंड्रेड नाइन वन हंड्रेड नाइन इनको ऐड करेंगे देखिए नाइन वन टेन टेन का जीरो वन एंड टू वन वन टू टू हंड्रेड ट्वेंटी आ जाएगा थर्ड वन नाइन्टी नाइन स्क्वायर नाइन्टी नाइन स्क्वायर माइनस नाइन्टी सिक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें इन दोनों नंबर्स को बस ऐड करना है नाइन्टी नाइन प्लस नाइन्टी सिक्स क्योंकि यहाँ पर जो किया है वही कर रहे हैं हमें आप पैटर्न के अनुसार करना है सॉल्व हमें यहाँ पर करेंगे नाइन और सिक्स फिफ्टीन का फाइव वन कैरी ओवर एंड टेन और नाइनटीन हो जाएगा ये वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव तो ये हैं आपके थ्री आंसर्स तो क्वेश्चन जो कहता है केवल उतना ही हमें आंसर लिखना पड़ता है ठीक है हम अपने मन से इस इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते यदि ये पैटर्न नहीं दिया होता और डायरेक्टली पूछा होता कि हंड्रेड स्क्वायर माइनस नाइनटी नाइन स्क्वायर वाट तब तो आप ये फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो ये सब ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर लिखा बस यहाँ लिखना पड़ेगा ना यहां लिख दीजिएगा आगे ब्रिकेट में कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न केवल हम ऊपर पैटर्न वाले जो है ऊपर जो पैटर्न दिया हुआ है इसी के हिसाब से किए हैं इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच बाय